नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन IClF4- द शेप इज स्क्वायर प्लेनर, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री आर। ठीक है, तो इसने पहले इसका शेप बता रखा है हमको, स्क्वायर प्लेनर होता है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। IClF4- है, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस लगा हुआ है, यानी अब कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो हमारे पास में कितने हैं, 4 तो बॉन्ड पेयर हैं जो कि क्लोरीन ने बनाए हैं, देखो 4 है यहाँ पे, और कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे हैं। स्टेरिक नंबर 6 आया है, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो शेप बता रखा है वो स्क्वायर प्लेनर बता रखा है, तो आप लोग इसको बना लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके का बना है हमारे पास में। अब उसने क्या पूछा है, उसने बोला है कि कितना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो स्क्वायर प्लेनर है वो आप इसको एज्यूम करिए, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके नीचे लोन पेयर है। जो ऊपर वाला लोन पेयर है वो चारों बॉन्ड को रिपेल करेगा, ठीक है, चारों बॉन्ड पे इक्वल रिपल्शन देगा, और नीचे वाला लोन पेयर भी चारों बॉन्ड पे इक्वल रिपल्शन देगा। ऊपर वाला भी 4 पे दे रहा, नीचे वाला भी 4 पे दे रहा था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कितना हो गया, 8। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी। ये लोन पेयर जो है ये ऊपर की साइड है, और ये यहाँ पे हमारा प्लेन है, और नीचे भी एक लोन पेयर है, तो इस प्लेन को ऊपर वाला लोन पेयर भी रिपेल करेगा, नीचे वाला भी करेगा, ठीक है, तो 8 करेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर को 1 कर रहा है, नीचे वाला भी 4 को कर रहा है, तो 8 हो गए टोटल।